आज के वीडियो में देखेंगे जानेंगे MCB चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं और ये किस तरह से काम करता है। जैसे ये हमारा MCB चेंज ओवर स्विच है जिससे हम लोग यूज करते हैं किसी भी दो पावर सप्लाई को चेंज करने के लिए, एक जनरेटर हो और एक आपका मेन सप्लाई हो जो गवर्नमेंट का हो उसे चेंज कर सकते हैं, या आप चाहें तो दो जनरेटर सप्लाई लेंगे उसे भी आप चेंज करेंगे और अपने घरों में लगा सकते हैं या कहीं पे भी आप लगाना चाहते हैं और आपके पास दो करंट आ रहा है, दो पावर सप्लाई आ रहा है दो जगहों से, तो इसे चेंज करके जिसमें आप चाहें उसमें चेंज करें और उस पावर को यूज कर सकते हैं, जनरेटर या सप्लाई को। और इसके कनेक्शन की बात करें तो जैसे नीचे आपको चार पॉइंट दिया जाता है इनपुट के लिए और ऊपर से आपको दो पॉइंट दिया गया है आउटपुट लोड के लिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कनेक्शन करते हैं और चेक करके भी दिखला देते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है एक टेस्टिंग होल्डर, इसके जगह पे क्या करना है आपको अपने घर का लोड लगाना है, लेकिन यहाँ पे मैं चेक कराने के लिए यानी आपको दिखाने के लिए प्रॉपर तरह से काम करता है किस तरह से इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके जगह पे अपने घर का लोड या जो भी लोड आप चलाना चाहते हैं वो लोड का कनेक्शन आपको करना होगा। तो इसमें दो वायर होता है, एक न्यूट्रल एक फेज, तो आपको कनेक्शन कर लेना है लोड में, अपने घर का लोड या जो भी आपका लोड है आप उसका कनेक्शन कर लीजिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जो लोड है हमारा यहाँ पे हम इस दोनों वायर को कस लेंगे, और ये जो बल्ब का हमारा वायर है ये, चलिए हम फटाफट इसे कस लेते हैं। ये हम कस लिए, हमारा लोड का वायर हो गया। उसके बाद यहाँ से जो इनपुट होता है, एक चीज ध्यान में रखिए, नीचे आप चाहते हैं जनरेटर का देने के लिए तो दोनों नीचे रहेगा यानी दोनों जनरेटर का लाइन का रहेगा ये, फिर दूसरा लाइन जो है अगर जनरेटर का ही है तो उसी जनरेटर का दोनों वायर रहेगा, एक न्यूट्रल एक फेस। ये आपका सप्लाई है तो इस सप्लाई का आपका न्यूट्रल फेस रहेगा, यानी एक लाइन इसमें देना है आपको, एक लाइन इसमें देना है, ऐसा नहीं कि एक इसमें एक ही लाइन का वायर चेंज कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, एक लाइन का इस साइड देना है, एक लाइन का आपको इस साइड देना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये ब्लैक कलर वायर है और यहाँ पे येल्लो कलर वायर है, तो हम क्या करेंगे, ब्लैक वाला हमारा जनरेटर का लाइन है, हम चाहते हैं नीचे हमारा काम करे, तो हम क्या करेंगे इस तरह से नीचे वाले में कनेक्शन करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे गौर से, दूसरी जगह कनेक्शन बिल्कुल नहीं करना है और ये दोनों हमारा जनरेटर से आ रहा है, तो हमें क्या करेंगे नीचे कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए हम इसे कस देते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरह से, तो इस तरह से हमारा जनरेटर का इनपुट का कनेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों वायर को ऊपर हम कसेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई येल्लो कलर से आ रहा है जो गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे हम इसको भी इस तरह से कस लिए। तो इधर से हमारा क्या हुआ, इनपुट हो गया, एक हमारा गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई का इनपुट हो गया और एक ये जनरेटर है और ये हमारा लोड है। अभी क्या है, ये बीच में न्यूट्रल है यानी ये अभी करंट किधर भी नहीं देगा। अब चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर करंट देते हैं, अभी करंट नहीं दिए हैं। अब जैसा कि इसके अंदर हम करंट दे दिया है यानी पावर सप्लाई इन कर गया है, जनरेटर का भी और हमारा मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई का भी। अब जैसे ये हमारा होल्डर है, इसके जगह पे आपको लोड देना है, लेकिन हम यहाँ पे एक बल्ब लगाएं आपको टेस्ट करने के लिए। अब चलिए क्या करते हैं, ये जो हमारा जनरेटर का हमने नीचे कनेक्शन किया था तो इसको नीचे करेंगे तो हमारा जनरेटर का लाइन देगा आउट। देखिए ये हमारा बल्ब जल गया, ये आउट कर रहा है। अब क्या करेंगे, इसे फिर ले आते हैं न्यूट्रल यानी बीच में ऑफ कर दिए। अब इसका यूज करेंगे यानी ये हमारा सप्लाई है और इसको ऊपर करेंगे तो ये हो गया हमारा सप्लाई पे चल रहा है, यानी इस चेंज ओवर स्विच को जिस साइड हम चाहें उसी को जलाएं, या आपका मानते हैं ये नहीं है, इसमें लाइन नहीं है पावर सप्लाई का और उसमें आपका जनरेटर का लाइन आ रहा है तो इसको नीचे रखेंगे तो हमारा जनरेटर का लाइन देगा, या आपका जनरेटर नहीं है पावर सप्लाई है तो इसको आपको पावर सप्लाई साइड पे रखना होगा तो आपको पावर सप्लाई देगा, यानी इसको हमें जिस साइड हम चाहे चेंज करने के लिए लाइन के साइड या जनरेटर के साइड उस साइड चेंज करके हम इसे अपना कनेक्शन ले सकते हैं यानी अपना लोड चला सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है हमारा MCB चेंज ओवर स्विच यानी MCB चेंजर, इस तरह से काम करता है, इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। अगर आपको इसका रेट और प्राइस जानना है तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे जो अच्छी कंपनी का है उसको आपको वहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए, पढ़ने के लिए और किस कंपनी का सबसे बेहतर रहता है और क्या रेट में आपको मिलेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी वेबसाइट का, वहाँ पे विजिट जरूर कीजिए। साथ में इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, वो भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसमें कि हम मेन में
किट काट या MCB लगाएं तो हमारे दूसरे चैनल इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर पे जाइए, वहाँ पे आपको मेन बोर्ड की बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पे आप वीडियो को देख लीजिए और मेन में किस तरह से कनेक्शन करते हैं वो भी देख लीजिए, साथ में मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लीजिए, उन वीडियो को देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जान सकते हैं इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो घंटी का आइकन आएगा उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।